जी निघा स्वागत है जी आया सारे दर्शकों का जो साडे प्रोग्राम देख रहे हैं साडे प्रोग्राम के जुड़े रहते हैं अपने सवाल अपने सुझाव साडे तक भेजते हैं। मैं थोड़ा दोस्त कुलदीप एक बार फिर तो हाजिर हाँ। मेरे नाल जिहड़े मेहमान जिहड़े गैस्ट ने वैष्णो वसीर तो प्रदीप आलियान जी ने गलबात शुरू करांगे। पहला स्वागत कर लिए सर, बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू, सत श्री अकाल दोस्तों। सो अज गल करांगे कैनेडा ते आस्ट्रेलिया दी। ओ बच्चे जिहड़े इन्हां दोवां कंट्रीज़ दे विच जाणा चाहुंदे ने साडे नाल जुड़े रहणगे। नाल नाल नंबर दिखाया जाएगा, कोई भी सवाल साझा करना चाहुंदे हो, कोई भी गलबात करना चाहुंदे हो, उस नंबर दे उत्ते कॉल करके अपनी गलबात कर सकते हो, अपने सवाल दा जिहड़ा जवाब लै सकते हो। कैनेडा तो शुरू करांगे। मई इनटेक दे लई अज फाइल्स जिहड़ियां लगाईआं जा रहीआं ने, बच्चा भी जल्दी तो जल्दी फाइल लगाना चाह रहा है। कंसलटेंट्स भी कहिंदे ने कि वध तों वध बच्चे साडे कोल आ जाण, वध तों वध फाइल्स जिहड़ियां ला दित्तीआं जाण, पर स्टेटस की है, की देखते हो तुसी, किस तरह दी प्रोफाइल्स जिहड़ियां तुहानूं लगता है कि बच्चे लगानियां चाहीदियां ने जिन्हां ते वीज़ा निकल के आएगा, जां किस तरह दी प्रोफाइल जिहड़ियां तुहानूं लगता है कि रिजेक्ट हो जाणगे। ते कुलदीप जी, जो अगर पहले हम जैन इनटेक की थोड़ी सी बात कर लें, जैन इनटेक में थोड़ा सा बड़ा मतलब लोगों का जो सुनने में आ रहा है बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है, लोगों की इधर उधर रिजेक्शन आ रही हैं। इवन के वेस्टर्न ओवरसीज के हमने 33% पे भी वीज़ा लिए हैं 6 महीने। तो मैं मई इनटेक की अगर बात करूँ तो जो पास्ट का एक्सपीरियंस है उस सबको देखते हुए मैं मई के लिए यही बोलूँगा, एक तो आप वेट ना करें क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, टाइम रहते आप फाइल लगा लीजिए। क्योंकि एक बच्चा ऑफिस आता है वो बोलता है जी मई इनटेक के लिए तो अभी बहुत टाइम है, तो मेरे को हंसी आई है सुन के कि मई इनटेक के लिए टाइम है, हमें तो पता ही नहीं था टाइम है। तो स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा कि मई इनटेक के लिए तो टाइम रहा ही नहीं है, जितना जल्दी आप फाइल लगाओगे उतना बेटर है, क्योंकि बहुत छोटा ये क्या नाम है इनटेक होता है, सारे कॉलेजों के पास सारे कोर्सेज नहीं होते, बहुत सिलेक्टेड कोर्स होते हैं। तो प्लीज कीप इन माइंड, जितना जल्दी हो उतना जल्दी अप्लाई करो मई इनटेक के लिए। तो वो बच्चों के लिए हम इनवाइट करना चाहेंगे जिनके ऑलरेडी जैन में रिजेक्शन आ गए हैं, दूसरा उन बच्चों को भी मई के लिए इन्वाइट करना चाहेंगे जिन बच्चों के ऑफर लेटर जैन में नहीं आ पाए थे, और तीसरा उन बच्चों को जो अभी फ्रेश पास आउट हुए हैं या फ्रेश उनका हाई स्कोर आया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों टाइप के स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम है वेस्ट ओवरसीज की हर ब्रांच में, चाहे आप जलंधर से बिलोंग करते हैं, चाहे अमृतसर में है, चाहे आप चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत। मैं आपको अगेन ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कोशिश करें कि आप 80% के साथ आए, आपकी परसेंटेज ठीक होनी चाहिए। दूसरा, ट्राई टू गेट मोर देन 6 बैंड, क्योंकि आज की डेट में अगर आपके 6 बैंड है लेकिन आपकी परसेंटेज कम है तब भी रिजेक्शन के चांसेस बने हुए हैं। तो कीप इन माइंड, जितना अगर आप जल्दी करोगे उतना बेटर रहेगा, और अपनी प्लीज ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके मिलिए। मिलना चाहते हो नंबर फ्लैश किया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लै सकते हो, हूँ तो जानकारी भी लै सकते हो, प्रोफाइल संबंधी भी डिस्कस किया जा सकता है, हर तरह की जानकारी तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। सो अगला टॉपिक जरा ऑस्ट्रेलिया का रहेगा, फंडस से आईलैश आयल्स की जी दसिया जाता है कि रिक्वायरमेंट नहीं रही, जूमर जो काफ़ी व्डे पद्धर से क्रिएट किया गया से, की देखते हो तुम बिना फंडस तो या विदाउट आयल्स बच्चा जो फाइल अच्छ लगा रहा किसी कंसल्टेंट के को किस तरह के रिजल्ट मिलते। देखिए, वो र्यूमर था, र्यूमर ही रहा। अब वो कंसल्टेंट जिन्होंने र्यूमर पैदा किया था वो अपने वापस बैक स्टेप पे आ चुके हैं, अब वो भी बोलना स्टार्ट हो चुके हैं नहीं जी आयल्स और फंड्स तो दिखाने पड़ेंगे। मतलब वो र्यूमर मतलब आधा सच दिखाया गया स्टूडेंट्स को। उस टाइम क्या था, जैसे हम असेसमेंट लेवल 2 में आए तो एम्बेसी ने इमिग्रेशन ने बोला कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को जो असेसमेंट लेवल 2 और 1 के हैं कि जी आप फंड्स और क्या नाम है GT आप चेक करेंगे और आयस आप चेक करेंगे, हमें देखने की जरूरत नहीं है, बट अगर हमें चाहिए तो हम देखेंगे। तो वो आधा सच बताया गया स्टूडेंट्स को, और उस आधे सच के चक्कर में काफी बच्चे मिसगाइड भी हुए हैं। तो अगेन मैं पूरा सच बताना चाहूंगा कि ये ठीक है कि भाई जो असेसमेंट लेवल 1 और 2 के यूनिवर्सिटी जो कॉलेज अगर उसमें हम फाइल डालते हैं तो फंड्स एम्बेसी नहीं जाएंगे, या हम आयल्स का स्कोर ना भी लगाएं तब भी काम चलेगा, बट एम्बेसी माई टास्क, वो एम्बेसी पूछेगी और पूछ सकती है। दूसरा, बट कॉलेज को तो दिखाना है, कॉलेज को आयल्स भी दिखाना है और कॉलेज को फंड्स भी दिखाने हैं। तो आपको कॉलेज को फंड्स दिखाने हैं तो एम्बेसी के लिए तो हम रेडी हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें एम्बेसी में नहीं भेजना, लेकिन बाद में अगर एम्बेसी मांगेगी तो हम दिखा तो सकते हैं, हमारे पास रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज मिसगाइड मत होइए, अगर आपके पास पैसे पड़े हैं तो अपने अकाउंट में डाल लीजिए। अभी हाँ, थोड़ी सी लीनियंसी ये जरूर आई है कि कुछ कॉलेज करंट फंड भी लेना स्टार्ट कर गए विद सोर्स, बहुत जरूरी है। और इसके अलावा अगर आपके पास पुराने फंड्स हैं तो वेल एंड गुड है, कुछ कॉलेज 1 मंथ और भी फंड ले रहे हैं, ये थोड़ी सी अच्छी एक लीनियंसी है, एक अच्छी गुड न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए। बट अगेन रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि जितने ज्यादा पुराने फंड्स करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा जी। फंड कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है या किसी हेल्प ले जा सकती है? देखिए, वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है इमिग्रेशन की साइट पे, लेकिन वो कहते हैं कि जो भी दिखा रहे हैं उसका नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखी जाएगी। तो इसका मतलब नेचर ऑफ रिलेशनशिप का मतलब है आप मेरे फंड्स नहीं दिखा सकते, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए आप मेरे कुछ लगते ही नहीं है, लेकिन नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखी
जाएगी और प्रीवियस उसकी स्टोरी देखी जाएगी, उन्होंने कभी हेल्प की है या नहीं की है. तो यहाँ पे कौन कौन शो कर सकते हैं जो एज पर द लाइक कॉलेज, एज पर द यूनिवर्सिटीज, एज पर कंसल्टेंट के भाई, और एज पर द एम्बेसी भी के नेचर ऑफ रिलेशनशिप में आते हैं. जैसे स्टूडेंट खुद, स्टूडेंट के भाई बहन, स्टूडेंट के मम्मी पापा, स्टूडेंट के दादा दादी, स्टूडेंट के नाना नानी, ये 70-80% ये दिखाएं. अगर मैरिड है तो उसका स्पाउस दिखा सकता है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ दिखा सकता है, और रेस्ट 30% या 40% उसके चाचा ताऊ काका मामा फूफा, ये सब अंकल आंट की डेफिनेशन में आते हैं, तो ये लोग भी दिखा सकते हैं. और इसके अलावा कोई बाहर का पर्सन भी दिखाता है तो अगेन नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखी जाएगी कि उसका उस फैमिली के साथ रिलेशन कैसा है और प्रीवियसली उसने कुछ उसकी हेल्प करी है या उसका कुछ ऐसा रिकॉर्ड है या है नहीं है. लेकिन अगेन क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे सारी चीजें मतलब फेल हो जाती है कई बार, क्योंकि बहुत कलाकार बैठे हैं, बंदे बैठे हैं जो कंसल्टेंट, तो वो कुछ भी नेगेटिव हो सकता है कि कोई फेक डॉक्यूमेंट एम्बेसी में डाल देते हैं तो वो कहीं ना कहीं एम्बेसी का विश्वास टूट जाता है. तो उनको उन्होंने पैटर्न ये रख ही रखा है कि भाई क्या नाम है, कोशिश करो कि मम्मी पापा, दादा दी, नाना नानी, भाई बहन, ये लोग दिखाएं, सेल्फ दिखाए, स्पाउस दिखाए, और थोड़ा बहुत बच गया तो वो चाचा ताऊ काका मामा फूफा फंड अपना चाचा ताया या किसी होर तो जिहड़े लै रहे हैं उन्होंने अकाउंट से शो किए जाएंगे या एक बार अपने अकाउंट के विच. अगर उनके अकाउंट में है तब भी चलेंगे, नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखी जाएगी. अगर चाचा है तो चाचा के रिलेशन देने पड़ेंगे पूरा कि चाचा एक्चुअल चाचा ये है या नहीं है. और अगर अकाउंट में इधर भी डाल देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो अपने भी अकाउंट में दिखाएंगे तो चलेंगे. एक और SSVF के अंदर आप विदाउट फंड भी जा सकते हैं, लेकिन वो एक कैटेगरी और भी है. एम्बेसी बोलती है कि आपको फंड दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन $60,000 $60,000 तकरीबन 30 लाख की ITR अगर पेरेंट्स की है और वो साथ ना जा रहे हो तो चलेगा. मतलब स्टूडेंट जा सकता है विदाउट फंड शो किए भी, लेकिन उसके फादर मदर की ITR इनकम टैक्स रिटर्न 30 लाख की पर ईयर की होनी चाहिए, दोनों की मिला के हो. अगर स्पाउस जा रहा है तो $70,000 की होनी चाहिए, लेकिन वो स्पाउस मतलब स्पाउस साथ ना जाए. मान लो मैं जा रहा हूँ, मेरी वाइफ नहीं जा रही है, मेरी वाइफ इंडिया रहे, लेकिन उसकी ITR $70,000 तकरीबन 35 लाख की हो तब भी हो सकता है. लेकिन ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं. लेकिन अगर ऐसे कोई है जिनके पेरेंट्स की ITR $60,000 तकरीबन 30 लाख प्लस की है तो मोस्ट वेलकम, उनको फंड दिखाने की जरूरत नहीं है, उनका विदाउट फंड भी हो सकता है. जी सो ऑस्ट्रेलिया गए सी तुसी, एक कॉन्फ्रेंस सी, एरी मेंबर्स दी एक मीटिंग सी जिथे तुसी गए सी, इस सारियां चीजां ते डिस्कस कीती हुई होनी, अगे दा की प्लान तुसी देखते हो, खास करके हाई कमीशन जां एम्बेसी दे, क्योंकि काफी बार हुंदा कोई अनाउंसमेंट नहीं कीती जांदी किसी तरह दी, कोई पब्लिकली नहीं दस्या जांदा, पर जिहड़ा रिक्वायरमेंट च बदलाव देखण नूं मिलदा, रिजल्ट्स दे विच जिहड़ा देखण नूं मिलदा, सो की देखदे हो तुसी फ्यूचर? कुलदीप जी देखिए, एक नॉर्मल कंसल्टेंट्स को ये पता नहीं लगेगा, ना स्टूडेंट्स को पता लगता है, लेकिन बीइंग एरी मेंबर हमारे पास सारी चीजें आ जाती हैं. वेस्टनोसिस एरी मेंबर है जी, AAERI, ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, मीन्स लोग वहाँ की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को जो इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज एरी मेंबर. तो कोई भी रूल चेंज आता है तो एक तरह से, एक तो एरी जो है वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में रजिस्टर्ड है, तो मतलब कोई भी चेंजिंग अगर आएगी इमिग्रेशन की के बिहाफ पे तो सबसे पहले एरी को पता लगती है या यूनिवर्सिटीज कॉलेज को पता लगती है. तो वी आर द लक्की वन के वेस्टनोसिस एरी मेंबर है, तो हमें सबसे पहले ये चीजें पता लग जाती है. जैसे मैं पहले दिल्ली में एरी की मीटिंग थी जहाँ हाई कमीशन आया था, इसके बाद मैं होबार्ट तस्मानिया गया ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ एरी की मीटिंग में हमें मतलब एजुकेशन मिनिस्टर प्लस में वहाँ की जो वीजा ऑफिसर है उससे, एडिलेड में जो बैठते हैं उनसे मिलने का, मिस एलाइस उससे मिलने का मौका मिला. इसके अलावा 9 नवंबर को एक एरी की फिर मीटिंग है जिसमें हयात, दिल्ली में मीटिंग है हयात होटल में, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट वहां से, जो एडिलेड एजुकेशन डिपार्टमेंट आ रहा है वहां की, एडिलेड की यूनिवर्सिटीज कॉलेज आ रहे हैं प्लस में एरी मेंबर होंगे. तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें अपडेट करती हैं, और इस अपडेट का फायदा ये होता है कि हम स्टूडेंट्स को अपडेट करने का मौका मिलता है, और एक तरह से हम एक ट्रैक पर रहते हैं, और ट्रैक पर रहते हैं तो कहीं ना कहीं जेन्युइनिटी और जी आती है. जी एरी मेंबर होने का एक फायदा तो चलो बच्चे को मिलता है कि जो कंसल्टेंट के जा रहा है, अगर एरी मेंबर है तो वो हर तरह की जी लेटेस्ट जानकारी होगी, अपडेट्स होगी. दूजी चीज जी रही कि एक फाइल जो फोटअप की जा रही हाई कमीशन, अगर एरी मेंबर वालों जी रिप्रेजेंट की जा रही है तो रिजल्ट के उत्ते भी कोई इफेक्ट पैदा? देखिए रिजल्ट की मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस पूरा मतलब एम्बेसी को होता है एरी मेंबर पे, क्योंकि एरी मेंबर बींग एरी मेंबर वो गलत काम नहीं करेगा. तो ये एक फायदा जरूर मिलता है, चीज का एडवांटेज कि हाँ यस,
कि एरी मेंबर है और एरी मेंबर वही बन सकता है जिसके पास आज तक कोई गलत रिकॉर्ड ना हो और जो कहना मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज को रिप्रेजेंट भी करता होगा, जो एक तरह से उसकी लिस्ट वो उसका नाम एम्बेसी में होता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज का बेनिफिट जरूर स्टूडेंट्स को मिलता है। जी, फरवरी इंटेक की तैयारी बच्चा किवें करे, या जो बच्चा ऑस्ट्रेलिया नु टारगेट करना चाहता है, जाना चाहता है, फंडिंग की किवें तैयारी करे, नाल-नाल एकेडमिक दी की रिक्वायरमेंट्स? देखिए सर, नवंबर दिसंबर जनवरी तीन महीने बचते हैं, नवंबर का भी एक तरह से मिड आ चुका है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जितना जल्दी अगर अप्लाई करेंगे उतना बेटर है, टाइम आपके पास नहीं है क्योंकि एम्बेसी भी एक महीना ले रही है आज की डेट में, और इससे पहले आपका ऑफर लेटर आना, फिर आपका जीटी मैच होना, फिर आपकी फीस ट्रांसफर करना इधर से एम्बेसी, और यूनिवर्सिटी आपके फंड्स भी देखेगी, आपका इंटरव्यू भी ले सकती है, तो इट टेक टाइम, तकरीबन एक डेढ़ महीना इसी चीज़ में निकल जाता है, तो जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना बेटर रहेगा। फंड्स के लिए मैं अगेन बोलना चाहूँगा कि अगर फंड्स आपके पास नहीं है तो जल्दी से जल्दी अपना मैनेज करिए, अकाउंट में डालिए, जब तक फाइल डलेगी तब तक वो थोड़ा बहुत पुराना हो चुका होगा, एक डेढ़ महीना, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, आपके पास टाइम नहीं है फरवरी इनटेक के बाद के लिए, फरवरी के बाद सीधा आपका जून जुलाई आएगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी अपनी फाइल रेडी करिए, जल्दी जल्दी अपना ऑफर लेटर मंगवाइए, जल्दी जल्दी अपनी फाइल लॉन्च करिए। माफ़ी चाहवागा सर, चर्चा नूं के नहीं बता सकेंगे, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद सारे दर्शकों का जिहड़े साडे शो दे नाल लगातार जुड़े रहिंदे ने, कोई भी सवाल पूछना चाहुंदे हो तुहाडे लई समय दी कोई लिमिटेशन नहीं, नंबर जिहड़ा दिखाया जा रहा उस उत्ते किसे भी वेले कॉल कीती जा सकदी है। पग बाद चली फुलका जिहा सर दे दिन की तो जी, थैंक यू सर शो के आने की सारी जानकारी देने के लिए, धन्यवाद सारे दर्शकों का जो इस शो के नाल लगातार जुड़े रहते हैं, कोई भी गलबात करना चाहते हो, कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, नाल एक नंबर दिखाया जा रहा है, उस नंबर के जरिए वैष्णो ओवरसीज नाल जुड़ सकते हो, वैष्णो ओवरसीज 172 फेसबुक पेज में लाइक करके भी तुम अपना सवाल इनबॉक्स के भेज सकते हो, हर तरह के सवाल का जवाब तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिता जाएगा। फिलहाल के लिए प्रोग्राम खत्म करते हैं, मैनू दे आ गया, धन्यवाद।